हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन ऑफ यनिका. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन ऑफ यनिका को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है हनुमान जयंती. तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जयंती की. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान बजरंगी बजरंगबली भगवान हनुमान आपकी जीवन में हमेशा खुशियां भरें, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर करें. यही मैं सबके लिए मनोकामनाएं करती हूँ. और बस आज हमारे कैंपस में भी हनुमान जयंती सेलिब्रेट की जा रही है. जो मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर पहले तो सुंदरकांड होगा, फिर हनुमान चालीसा होगी, आरती, हवन, ये सारा मतलब कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण. तो बस जैसा जैसा आज हमारे कैंपस में होने वाला है वो हम आज आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखाते हैं. तो चलिए अभी हम होते हैं रेडी. सबसे पहले तो एक चीज़ और बताती हूँ कि आज अभियनिका को मिलनी है बुक्स स्कूल से. तो अभी ये गए हुए हैं और ये बुक्स लेके आते ही होंगे. तो हम आपको उनकी बुक्स दिखाते हैं और फिर उसके बाद आज अभियनिका की है डांस क्लास भी, क्योंकि आज थर्सडे है. थर्सडे डांस क्लास भी हो जाती है. डांस क्लास के बाद हम चलेंगे और मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है तो वो हम आपको दिखाएंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अभियनिका की बुक्स आ गई हैं. ये पूरा एक बंडल है, ये स्कूल से ही मिला हुआ है ये है. और एक बुक अलग से है हिंदी वाली, मतलब इतनी बुक्स उनकी आ गई हैं. ये देखिए, एक अवनी का सेट, एक अनिका का सेट. ये मैंने इससे आपको निकाल के सारी बुक्स दिखाई हैं. तो इस तरह से दो सेट पूरा लिया हुआ है. तो आज से इनको भी, अब इनके कवर वगैरह, जैसे भैया की चढ़ाई थी, सबको कवर करना होगा, नेम स्लिप लगानी होगी. तो ये सब अब तैयारियों में लगना है. और इस तरह से मतलब आज दोनों की भी बुक्स मिल गई हैं, अपर के जी की. तो अब हम लोग रेडी होके आ चुके हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज अभियनिका की है डांस क्लास. तो हम डांस क्लास जाने के पहले एक बार मंदिर में आए हैं और यहाँ पर ये देखिए सुंदरकांड जो है वो स्टार्ट हो चुका है. 3:30 बजे से सुंदरकांड स्टार्ट हो गया है. तो ये देखिए चल ही रहा है. काफ़ी लोग आ गए हैं. यहाँ सामने जो पंडाल बना हुआ है यहाँ पर प्रसाद मिलेगा रात में. और इस तरह से देखिए सबकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं. एक साइड जो मंदिर बना हुआ है, वैसे तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और इधर पे ये देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है. उस साइड में जो है वहाँ पर गणेश जी का भी मंदिर है. तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर मतलब हनुमान जी का मंदिर कितने अच्छे से फूलों से उन्होंने सजाया हुआ है और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पर अंधेरे के कारण और भीड़ के कारण उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है. मैं जूम करके ही आपको दिखाती जा रही हूँ. पर यहाँ पर इस तरह से देखिए जो है सुंदरकांड अभी चालू हो चुका है. तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पर मतलब बैठने के बाद फिर हम चलेंगे, क्योंकि अभियनिका की डांस क्लास जो है तो हम वहाँ चलेंगे और फिर हम डांस क्लास के बाद दोबारा से यहाँ पर आएंगे. नाना तर पल फूल तो आए गग मृग वृंद देख मन बाए उमानक मंगल हारे दबंत दशरथ रवि रविहारे सत कोट विचित्र मन कृत सुंदरायत नागन चरुआत आत सुमत रीति चार पूर्व विभीषण गजबाज कचर निकर पद चरण सब रूप निकोदन मोरूप निति चर जूत रति बल से नरनत नहीं बन बन बाग रूप बन बाटिका तर कूप बापी सोवर नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन कहुमाल देह विशाल तैल समान अति बल गर्द नानाय कारण वीर विवेक एकन तरजय
तो अब हम फिर से आ चुके हैं मंदिर में और यहाँ पर सुंदरकांड भी हो गया है, हनुमान चालीसा भी हो चुकी है, आरती हो रही है बजरंग बली की। और आरती के बाद जो है उसके बाद और सभी मंदिरों में आरती होगी, फिर उसके बाद हवन होगा और फिर प्रसाद वितरण। तो चलिए जो भी कुछ होता जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले तो एक चीज़ और बताते हैं कि आप देख सकते हैं मंदिर कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, पूरा बैलून से, फ्लावर्स से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर। पूरा जो मालाएं बनी होती हैं फूलों की, उससे सजाया हुआ है, फिर रंग बिरंगे बैलून लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस चलिए जो सभी होता जा रहा है तो हम आपको मंदिर का सब दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर जब तक पूजा हो रही थी मंदिर में, तो उन्होंने सबके लिए रखा हुआ था, ये देखिए रूह अफ़ज़ा, जो दूध, थोड़ा दूध और रूह अफ़ज़ा मिला के जो बनाया जाता है, तो वो सभी को दिया हुआ था। तो अभी हम लोग जैसे ही आए हैं तो अभी नेहा को दिख गया वो ड्रिंक, तो उन्होंने कहा चलो अब हम भी, या माँ हमको भी दिलाइए, तो बस हमने भी लिया हुआ है वही रूह अफ़ज़ा का, इन दोनों को दिया है। तो बस काफ़ी अच्छा, काफ़ी टेस्टी मैंने भी लिया है, तो बहुत अच्छा ये लग रहा है। और अवनी का भी दोनों बहुत एंजॉय कर रही हैं। और आज इनको जाना है एक्चुअली एक बर्थडे में भी, तो अभी इनको हम डांस क्लास से यहाँ लेकर आए हैं, उसके बाद ये दोनों को तैयार फिर से एक बार रेडी करके डांस वो बर्थडे पार्टी में भेजेंगे, और फिर हम इधर आ जाएंगे और उसके बाद फिर इनको लेने जाएंगे। तो देखिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, कितने लोग, काफ़ी लोग, पूरे कैंपस के सभी लोग आए हुए हैं यहाँ, मतलब आज हनुमान जी की पूजा में। और आप देख ही सकते हैं अंदर भी काफ़ी भीड़ है और उतनी ही भीड़ बाहर भी लगी हुई है। तो चलिए हम भी आरती कर लेते हैं भगवान की और अच्छे से दर्शन भी कर।
पी लिया। अबे नहीं लगता घंटा विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यारम्यं वंदे विष्णु भवहरं। अरे 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 सलवार क्यों उठा रही? चलो अंदर मंदिर में चलो। हाँ इधर उतार देंगे। तो चलिए अब अवनीनिका ने जो है जो हम सब पी लिया था, तो अब हम भी आ चुके हैं अंदर मंदिर में और अच्छे से मतलब दर्शन कर लेते हैं। आरती हो चुकी है, सबको आरती मिल रही है, तो हम लोग भी आरती ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी से यहाँ पर कितनी ज़्यादा पहले से अभी प्रसाद नहीं मिल रहा। अभी तो जगन्नाथ भगवान की भी आरती होगी, फिर काली माँ की आरती, हवन, उसके बाद फिर आपको प्रसाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले ही लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी पीछे तक लाइन जा चुकी है और मतलब प्रसाद के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। मैं भी लाइन में आके लग गई हूँ क्योंकि लाइन बहुत लंबी होने लगी थी, तो हम भी आके लाइन में खड़े हो गए हैं कि प्रसाद मिल जाए। तो बस चलिए अभी जैसे ही अब आरती स्टार्ट होगी तो हम लाइन में ही खड़े होकर आरती करेंगे यहाँ से ही, और हवन दिखाएंगे आपको क्योंकि प्रसाद की लंबी लाइन हो चुकी है, तो मैं लाइन में खड़ी हूँ। तो चलिए अब आरती स्टार्ट हो गई और हम भी आरती करेंगे। तो अभी यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं ना मंदिर के अंदर, तो यहाँ पर हवन स्टार्ट हो गया है, हवन की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसीलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो चलिए हम भी हवन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हवन होने लगा है, हवन हो चुका है, काफ़ी लोगों ने कर लिया है, कुछ कुछ लोग रह गए हैं तो वो करते भी जा रहे हैं।
प्रसाद भी मिलना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी टाइम से हो गया, मैं भी काफ़ी आगे आ गई हूँ प्रसाद लेने के लिए, तो अब हम भी प्रसाद ले लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर देखिए इस तरह से चेयर भी लगाई हुई है कि कुछ लोगों को जिनको बैठ के खाना हो तो वो प्रसाद बैठ के भी खा सकते हैं, या कुछ घर ले जा रहे हैं तो कुछ खड़े होके खा रहे हैं, तो इस तरह से मतलब सभी लोग अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चेयर भी बिछाई हुई है प्रसाद बैठ के खाने के लिए। तो प्रसाद में देखिए किस तरह से मिली है खीर, आपको आलू की सब्जी है, छोले जैसी एक और सब्जी है कोई सी, फिर बूंदी है, हलवा है और पूड़ियाँ हैं। पूरी चार पूड़ी रख के दिया है उन्होंने पूरी प्लेट में। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा हमारे कैंपस में किस तरह से हनुमान जयंती को सेलिब्रेट किया गया है, बहुत ही अच्छे से प्रसाद भी बहुत अच्छा दिया है और बस काफ़ी अच्छा मन रहा है। पूरा सुंदरकांड हुआ, फिर हनुमान चालीसा, आरती, हवन और उसके बाद प्रसाद वितरण, तो काफ़ी अच्छा सभी का बहुत ही भक्तिमय माहौल है और बहुत एंजॉय हम सभी ने किया, बहुत अच्छा लगा। देखा कि आज कितने अच्छे से हनुमान जयंती कैंपस में मनाई गई है, बहुत अच्छा प्रसाद भी दिया, पूरा खाना पूरी सब्जी, दो सब्जी हैं और हलवा, बूंदी, खीर, इस तरह से पूरा प्रसाद मिला है और बस बहुत ही अच्छा आने लगा सब। भगवान का कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया गया और बहुत सभी लोग थे, सभी को बहुत अच्छा भी लगा। अवनी अनिका जो है उनको हम छोड़ के आए थे, आज उनको एक जगह बर्थडे में जाना था, तो बस ये लोग अभी बर्थडे से आई हैं, इनको बर्थडे में छोड़ के फिर हम मंदिर गए हुए थे, तो बर्थडे से ये देखिए फ्रूटी भी लाई हैं। और रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला है वो लेके आओ जरा, देखें क्या मिला है आप लोगों को। तो रिटर्न गिफ्ट में मिली है बॉटल, तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। और उसके बाद है अभी हम जा रहे हैं, अब यहाँ जो मंदिर हम डेली जो मैं शिव मंदिर जाती हूँ वहाँ पर भी हनुमान जी का एक मंदिर है, तो हम वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूजा करने के लिए। और बस देखिए हम आपको दिखाते हैं दोनों को, ये देखिए इस तरह से रिटर्न गिफ्ट में ये बॉटल मिली हुई है, बर्थडे से आई है, मजा भी आया उन लोगों को। तो पानी पीते हैं, अच्छा आप लोगों को पता नहीं होगा कि इससे पानी पिया जाता है, तो अनिका बता रही है कि इससे पानी पीते हैं। तो चलिए ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पास वाले ही हमारे हनुमान जी के मंदिर। आज का मैं अपना ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज जो भी हुआ है हनुमान जयंती की, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।